हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार आप जानते हैं कि 2016 वाली कैंडिडेट के लिए आज तक आयोग ने कुछ भी नहीं किया है, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने जो है इस छात्र का पीटी, मेंस, टाइपिंग और फिजिकल तक भी ले लिया है, लेकिन आयोग ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया कि 2016 वाले छात्रों के साथ क्या होगा। लेकिन दोस्तों, अब जो है सचिव महोदय का बयान आ चुका है, जो भी छात्र 2016 में फॉर्म फिलअप किए हैं, जो कि फर्जी तरीके से अप्लाई कर दिए हैं, अब उनका कोई स्थान नहीं है इस वैकेंसी में। तो यहाँ से जो है जो 2014 वाले कैंडिडेट हैं उनको बहुत ही लाभ होने वाला है। तो क्या है दोस्तों खबर, आप पूरी खबर जरूर देखें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देर ना करते इसकी शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो क्या है दोस्तों खबरें, देख सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में वर्ष 2014-15 और वर्ष 2016 में इंटर पास किए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट बयान है सचिव महोदय का, जो कि खबरें हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जो है काउंसलिंग के दौरान ऐसे अभ्यर्थियों की छटनी कर दी जाएगी, एकदम स्पष्ट है कि जो है ऐसे अभ्यर्थियों की जो भी 2016 में फॉर्म फिलअप कर दिए, जिनका उम्र अभी अभी 18 वर्ष हुआ था और वो फॉर्म फिलअप कर दी है, तो समझ लीजिए कि जो है उनको कोई मौका नहीं मिलेगा, वो उस छंटनी में ही चले जाएंगे। और आगे क्या होता है दोस्तों, देख सकते हैं इस मामले पर आयोग के सचिव ने सीधे तौर पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि मामले में आयोग के सभी सदस्य निर्णय लेंगे। हालांकि उन्होंने 2016 में केवल ऊपरी उम्र सीमा के लोगों को इसमें शामिल रहने तथा निचली उम्र सीमा से आए अभ्यर्थियों को छटाई करने की बात स्वीकार की। देखिए, आयोग ने भी जो है इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो निचली सीमा उम्र जिसके थे उनकी छटाई हर हालत में होनी ही है। लेकिन देखिए दोस्तों, और क्या स्पष्ट है, आयोग सूत्रों के अनुसार इस सप्ताह किसी भी परिस्थिति में काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज जो है बुधवार हो चुका है और जो है करीब 3 दिन बचे हैं, तो इस सप्ताह में जो है यानी 3 दिन में किसी भी दिन जो है इसका डीबी का शॉर्टलिस्टेड जारी कर सकता है, नहीं तो दोस्तों जो है काउंसलिंग की तिथि घोषित हो जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये सारे जो है डेट कंफर्म हो जाएंगे। इस संदर्भ में 1-2 दिनों में आयोग सदस्यों की भी बैठक हो जाएगी, इससे पूरी प्रक्रिया को लेकर निर्णय लिए जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है, कह सकते हैं कि जो है पुराने और जेन्युइन छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।